सोच भी नहीं सकती कि वो इंसान मेरी जिंदगी में आएगा, वो आया और मैं बहुत खुश थी उसके साथ किया था। और उससे भी पहले मैंने एक वशीकरण वाला भी किया था, वो सोच भी नहीं सकती कि वो इंसान मेरी जिंदगी में आएगा, वो आया और मैं बहुत खुश थी उसके साथ। अभी तो नहीं है लेकिन वो हुआ, मतलब वो पॉसिबल ही नहीं था लाइफ में वो होना। भरोसा हो गया है हाँ आपसे कि मतलब आपका तो होने ही वाला है 100%। कैसे किया था? इसलिए मैंने आपको मैंने वो वशीकरण आपका वो मंत्र था एक दिन वाला वो वाला मंत्र हाँ हाँ वो बोला था तो मेरा एक हफ्ते में ही मेरा हो गया था वो। अच्छा कैसी कंडीशन थी आपकी? वो कुछ भी नहीं, मतलब कम से कम वो देखता भी नहीं था कुछ भी नहीं, लेकिन वो एकदम से हो गया। अभी मैंने जो किया है वो वाटर एक्सपेरिमेंट मेरा चल रहा है 3 महीने हुए। एक्चुअली वो मैंने पापा के लिए किया था कि उनको टीबी हो गई, तो इसके लिए मैंने वो पर्ची पे वो लिखा था कि उनकी टीबी ठीक हो गई है और उनकी तबीयत भी ठीक है। तो उनकी तबीयत ठीक रहती है लेकिन पता नहीं चल रहा वो ठीक है एकदम से या नहीं, वो थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है। करते रहो वाटर एक्सपेरिमेंट को करते रहो तो वो धीरे धीरे उनको ठीक कर देगा। कुछ लोगों पे थोड़े ज्यादा टाइम में असर होता है, कुछ पे जल्दी होता है। जैसे हम किसी के लिए करते हैं तो उसमें थोड़ा कम, मतलब उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है, असर धीरे धीरे होता है, कम होता है, लेकिन जब हम खुद के लिए करते हैं तो असर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मेरी लाइफ के लिए जरूरी है। तो ये कहते हैं कि मतलब हमारी वीडियो ऐसी ही है, फालतू की वीडियो है ये। नहीं, बहुत सारी वीडियो देखी है लेकिन मैंने आपका किया तो वो 100% हुआ है। अच्छा वीडियो देखने से पहले आपको बिलीव हो गया था? पहले मतलब मैं देखती थी तब भी मुझे इतना नहीं था, फिर मैंने करके देखा तो वो मतलब वो चीज वैसी होती है जो हमें मिल ही नहीं सकती, वो भी चीज हो जाती है। अच्छा और मैंने बहुत बार ट्राई किया, आपने आज फोन उठाया उसके लिए थैंक यू, मैं 4 साल से आपकी वीडियो देख रही हूँ। अच्छा हाँ थैंक यू, आपने मेरी बात की। बस समय है, समय का ही वही होता है ना, आवेश होता है, समय मिलता है तो सबसे बात करते हैं हम। हाँ तो मैं अभी वीडियो शेयर करते हैं, हमारी वीडियो शेयर वगैरह कर दीजिए लोगों को जो जरूरतमंद होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इतना गवर्नमेंट के लिए ट्राई कर रही हूँ, मैंने बहुत बार आपको मैसेज किए क्योंकि मुझे लगा आप बिजी होगी या क्या, तो मेरा हो ही नहीं रहा था और मेरे पास इतना टाइम भी नहीं मिलता पढ़ाई के लिए। ऐसा नहीं मैं पढ़ती ही हूँ लेकिन टाइम ही नहीं मिलता इतना, ऑफिस का काम घर का काम इसलिए। अच्छा एक बात बताइए, जब आपका काम बन गया था वो कर लिया था जब आपने वशीकरण का, तो आपको कैसा लगा था कि ये कैसे हो गया? मतलब हो गया वो मैं बता ही नहीं सकती हूँ, लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, जो सोचा है वो कुछ हुआ नहीं है, लेकिन ये चीज हो गई एकदम से हो गई। आपको लगा और था कि ऐसे हो जाएगा? नहीं मुझे पता ही नहीं था लेकिन हो गया, एक हफ्ते में ही वो पता नहीं चीज कैसे अचानक से हो गई। अच्छा जादू सा हो गया। रिजल्ट में क्या मिला था आपको? रिजल्ट में क्या मिला? रिजल्ट में वो लड़का आया था मेरे पास। अच्छा कि वो मुझे पसंद करता है हाँ, वो सच में हो गया, वो पॉसिबल ही नहीं था वो चीज। अच्छा वो हो गई हाँ, तब से मुझे विश्वास हो गया तो ये हो सकता है 100%। जो इंसान आपसे बात नहीं करता था वो बात करने लग गया दोबारा? हाँ वो बात भी नहीं करता था, वो एकदम दूर था और ये मतलब चीज होगी ही नहीं, ऐसे कैसे हम सोचते वो हमें पसंद है वो मिलेगा नहीं हमें वो पता होता है, लेकिन वो भी मिल जाए तो वैसी वाली फीलिंग थी। कितनी खुशी हुई फिर आपको? बहुत खुशी, मैंने आपको बहुत बार थैंक यू लिखा था। अच्छा मैं हर सबको रिप्लाई करें हाँ, मैंने पहले भी किया था लेकिन मुझे पता है आपका बहुत कॉल आते हैं